अगर ये फिर से सरकार आ गई ये तो पूरे देश को डुबा देंगे, हमको मालूम है। अमीर लोग के लिए मोदी जी काम करते हैं, गरीब के लिए नहीं। महीने में 600 रुपए पगार देते हैं। मेरे 5 किलो राशन में क्या होगा? राम मंदिर माना दिया, हम रोज दर्शन करेंगे, ठीक है, मगर पेट का कौन सोचेगा? पेट के बारे में सोचना हमारे। अगर परिवार रहता था तो उनको जिम्मेदारी समझती थी कि बीबी क्या है, बच्चे क्या है, सब क्या है। हमें मोदी को ये वोट नहीं देंगे। मोदी को बीवी बच्चे है ही नहीं तो वो बाकी को की बात क्या समझेंगे? 1500 रुपए में कोई घर, किसी का घर चलता है? मोदी को अपना ही दिखाएंगे। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, मेरे चारों ओर आप देखेंगे कि महिलाएं जो है भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। आप जिधर देखेंगे उधर महिलाएं हैं, और ये वही महिलाएं हैं जो इनमें से कई तो ये ऐसी महिलाएं हैं जो आशा बहू है, कई हैं जो आंगनबाड़ी में काम करती है, और कई सारी महिलाएं जो कि स्कूलों में खाना बनाती है, आंगनबाड़ी में खाना बनाती है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि महाराष्ट्र से आई है। वैसे तो यहाँ पे देश के कोने कोने से महिलाएं मौजूद है, लेकिन हम लोग इनसे बात करेंगे कि ये लोग यहाँ पे क्यों आई हैं, लोगों को क्या तकलीफ है, क्या मांग है, इन लोग कहाँ से आई हैं? कोल्हापुर से आई है। मेरे नाम वैशाली चौहान है, मेरा नाम कोल्हापुर से है। हमें 20 बरस से काम कर रहे हैं। कौन सा काम? इन दोनों मुझे शालने पोषण हार खाना पकाने का काम कर रहे हैं केंद्रीय शाले में, और हमें 20 साल से काम कर रहे हैं। हमारे को मानदन बढ़ाए नहीं है, वेतन पर बढ़ाए नहीं है, हमारी मांगे मन में भी लेते नहीं है, हमारे तरफ सरकार ध्यान पन देते नहीं है। हमें हर बार मांगे पूरे करते तो पन हमारे तरफ ध्यान देते नहीं। हमें कोल्हापुर से आए, 2 दिन से इधर आए हम। 2 दिन से आप यहाँ आए? 2 दिन में यहाँ पहुँची हैं? 2 दिन, 4 दिन हुआ शनिवार से, 4 दिन हुआ प्रयास कर रहे, 2 दिन हुआ इधर रुके। अच्छा, क्या 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 मांगे सरकार की? मांगे हमें सरकार 20 महीने में 600 रुपए पगार देते है। 600 रुपए खाना बनाने का? खाना बनाने का 8 घंटे काम करना लगता है, 8 घंटे काम करते हैं शाले में, हमें दिन भर उधरज रहते हैं, और हमें 600 रुपए पगार देते है केंद्र सरकार। किस कैटेगरी में आती हैं आप? किस कैटेगरी में आती हैं? ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी में? ओबीसी में। ओबीसी में आती हैं आप? सब ओबीसी की हैं? ओबीसी की। कुछ लोग एससी एसटी में भी होंगे? एसटी एससी में भी है हमारे में लोग। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारे लोग, ये सारे लोग जो है बहुजन है, ये लोग जो है एससी एसटी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से। कोई टीवी वाला यहाँ नहीं आएगा, कोई अखबार वाले यहाँ बड़े चैनल्स पे इसको नहीं दिखाएंगे। हम लोग बात करते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि जितनी महंगाई है और उस महंगाई में इन लोगों को 600 रुपया मिलता है मात्र, वो भी महीने का, तो कैसे गुजर बसर होता है आप लोगों का? हम लोग का कुसर बुसर ऐसा होता है, अभी हमें काम छोड़ देंगे तो सरकार पगार बढ़ाएगा। हर दिन बोलते हैं हमें अभी पगार बढ़ाएगा, अगले महीने बढ़ाएगा, अगले बरस बढ़ाएगा, इसलिए हमें इस पर हमें घर कैसे चलाती है? घर कैसे चलाते है उस पर उस घर चलाती है। 600 रुपए में? 600 रुपए में घर चलाते है हमें। 600 रुपए महाराष्ट्र सरकार 700 रुपए देते है, एक महीने का हमें 1500 रुपए मिलते है। पुरुष भी आप भी खाना बनाते हैं? ये महिला सब खाना बनाते हैं। हाँ, ऐसा हमें काम करते हैं, खेतवाड़ी में काम करते हैं, 2 घंटे खेतवाड़ी में जाना पड़ता है। हर महीने को 1500 रुपए इनको मानधन मिलता है। उस मानधन में कैसा चलेगा? दिन को 50 रुपए मिलता है पर नारी को? दिन को 50 रुपए मिलते हैं दिन को। हमें कुछ नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग खाना बनाता है। कोल्हापुर से हम लोग सब आए हैं, 2 दिन रेलवे में बैठे हैं, हमारे पाँव सूज गए हैं। 1500 रुपये में क्या आता है? कुछ भी हमें परवाहता नहीं है, फिर भी हम लोग सब काम करते हैं। दिन में 8 घंटे काम करते हैं, खाना पकाता है, चावल नीट करता है, सब्जी पकाता है, लेकिन हमको सिर्फ 1500 रुपये मिलता है। महीने का सिर्फ 1500? सिर्फ महीने का 1500 रुपये मिलता है। आप भी खाना बनाती हैं? हाँ, आप लोग सब एक जगह से हैं, लेकिन आप बोल रही हैं 600 रुपये, ये बोल रही हैं सब लोग। सरकार 600 रुपये देते हैं, महाराष्ट्र सरकार 700 रुपये देते हैं, टोटल 1500। टोटल हमको 1500 रुपये मिलते हैं। सिलेंडर 1800 रुपये सरकार ने हमको 2019 से बढ़ाए नहीं दी, मराठी में बोलता हूँ, 2019 पासून
2019 से आगे मोदी सरकार ने बढ़ाया नहीं है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने 500-1900 बढ़ाया, 1000 के 1500 हुए। उसके बाद इसके 60% का जो टारगेट था वो 60% टारगेट उसमें जमा कर दिया होता तो उस वक्त 2022-2023 हो सकता था। मोदी सरकार जो है वो केंद्र में मोदी सरकार जो है वो बोलती है कि सबका साथ सबके विकास। हम लोग गरीबों की बात करते हैं, हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं और आप लोग याद रखना गरीब किधर रखा है मोदी जी ने? ये गरीब क्यों गरीब उधर रखा है? इनके तरफ ध्यान नहीं है। 1500 रुपए कोई घर किसी का घर चलता है क्या? क्या करते हैं? अमीर लोग के लिए मोदी जी काम करते हैं, गरीब के लिए नहीं है। कौन अमीर के लिए काम करते हैं मोदी जी? कौन से अमीर के लिए? जो भी उद्योगपति देश में काम कर रहे हैं, जो भी उद्योगपति है सिर्फ उनके ही बारे में यह सरकार सोच रही है। मगर हमारे महाराष्ट्र से अभी कितने सारे लोग आ चुके हैं, मगर हमारे जो भी बहन और भाई है रोसिया काम करते उनको सिर्फ महाराष्ट्र सरकार 2002 से अपनी ये शालेय पोषणहार की योजना चालू है, मगर 2010 में शालेय पोषणहार कर्मियों को सिर्फ 1500 रुपए महीना इससे ही चालू था, 1000 रुपए महीना। वहाँ से 2018 को 500 रुपए ये राज्य सरकार ने बढ़ाए। उसके बाद 9 फरवरी 2023 में राज्य सरकार ने 1000 रुपए बढ़ाए। फिर भी केंद्र सरकार अभी भी 400 रुपए ये शालेय पोषणहार कर्मियों को दे रही है। 400 रुपए में क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी सरकार तो बोलती है सबका साथ सबका विकास, मगर कुछ विकास नहीं हो रहा। हमारा कर्मचारियों के बारे में अगर उन्होंने सोचा होता, इस भी पहले साल भी हम आए थे 5 साल पहले, वो मोदी सरकार की भी सरकार थी, उन्होंने बोला कि हमारी यह सरकार जो भी कर्मचारी है सभी को हम गाइडेंस करेंगे और सबको न्याय देंगे, मगर आज एक भी कर्मियों को न्याय नहीं मिला। क्योंकि ये शालेय पोषणहार 1996 से चालू है, बाद में पकाना 2004 से चालू हो गया, फिर भी ये योजना कर्मचारियों को कुछ भी ऐसा हमारा ना रिकॉर्ड है या कुछ भी नहीं है। हम भी जो काम कर रहे हमारे कर्मियों को डर डर के काम करना पड़ रहा है। वहाँ पे 5 किलो राशन तो दे रही है। 5 किलो राशन किसको दे रही? वो भी किसके पास खेती होंगे, किसका राशन कार्ड में डबल नाम होगा, वो भी नहीं मिल रहा। कितने सारे कर्मियों को नहीं मिल रहा, मगर 5 किलो राशन में क्या होगा? अगर कोई जी सकता है क्या? हम उनको 15 किलो चावल देंगे, जगह के देखो। 2024 में मोदी जी को जिताइए सारी मांग कोई नहीं, हम नहीं जिताएंगे। अगर ये फिर से सरकार आ गई ये तो पूरे देश को डुबा देंगे, हमको मालूम है। इसलिए हम उनको एक भी मतदान नहीं करेंगे। कैसे डुबा देंगे? ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री गरीबों के नेता है। अरे गरीबों के नेता कहाँ है? फिर गरीबों के बारे में सोचते क्यों नहीं है? अगर सोचते होते तो पहले ये चुनाव जीतने से पहले सिलेंडर के भाव क्या थे? 450-450 रुपए मिलते थे। आज का भाव क्या है? 1200 रुपए में। हमको मानदन क्या मेरा? 1500 रुपए महीना। हम अगर एक सिलेंडर भरते और एक महीना चलाते तो खाएंगे क्या? ये बारे में सोचो तुम। और तुम बोलते कि केंद्र सरकार अच्छी सरकार है, कहाँ से चुनाव करेंगे इनको हम? अगर हाँ 50% इनको ये सहूलत दी बस की, ये क्या करेंगे? बस सरकार ये महिला को उतार रही। अगर उनको मालूम है जेंट्स आदमी अगर आंदोलन पे उतरेंगे तो लेडीज नहीं रुका पाएंगे, लेडीज को आधा टिकट दे दो घूमते रहेंगे, आदमी लोग चूल्हा फूकते रहेंगे, क्या करेंगे हम आदमी लोग? 1500 रुपए में महिलाओं को क्या कर देते हैं? आप देखो 1500 आधा टिकट बना दिया, महिला घूम रही बसों में। हाँ क्या उन्होंने क्या घूमेंगे? कितने दिन घूमेंगे? एक दिन घूमेंगे, दो दिन घूमेंगे? अगर उनको देना ही चाहता था तो आधा गैस करते थे, 500-600 रुपए में देना चाहिए था, वो उनके लिए हक्का था। महिलाओं को तो महिलाओं के लिए तो मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं भूखे मरो ऐसा कहते हैं मोदी। राशन भी आधा कर दिए, महीने में 2 किलो राशन महीने में महिला 2024 में मोदी जी को जिताएगी फिर आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। क्यों मांग पूरी नहीं करते? क्यों ऐसा बोल रहे हो? अभी महीने भर के लिए 2 किलो राशन देते हैं चावल, 2 किलो में महीना भर। आप लोगों को पता है भारत विश्व पटल पे पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है, आप लोगों को मालूम है? नहीं आपको मालूम है कि विश्व पटल पे भारत अपना नाम रोशन कर रहा है, भारत का नाम हो रहा है पूरे देश दुनिया में। कहाँ हो रहा? पूरे देश में। हम तो पूरे देश नहीं घूमते, पूरे दुनिया में। हाँ पूरे दुनिया में, मगर हम 1500 रुपए में है। हम वहाँ से आने को कम से कम 1000-1500 रुपए एक महीने का हमारा पूरा महीने का पैसा चला गया, फिर भी हम यहाँ आए कि चलो मोदी सरकार अच्छा अच्छा काम कर रही है। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दिया,
अगर राम मंदिर बना दिया हम रोज दर्शन करेंगे ठीक है, मगर पेट का कौन सोचेगा, पेट के बारे में सोचो ना हमारे। अगर भगवान से काम चलता होगा तो फिर ये सेनाओं से पूरी सेना हटा दो, हमारे भगवान ही हमारी सुरक्षा करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे नहीं सोचेंगे। राम राज नहीं चाहिए, हमको मानवता राज चाहिए, हर राज होना हमको, हमको इंसानियत का राज होना चाहिए। अगर हम ये इंसान काम नहीं आएंगे तो भगवान क्या करेंगे। इंसान जिंदा होना ना उनकी पूजा करने के लिए हमारी आस्था है, हमको राम मंदिर भी चाहिए और सब चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्या, हमको ये देश में हर प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, बराबर है, तो यहाँ अपना हिंदुस्तान है, तो मैं स्पेशल में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ बात पर। हम ये जंतर मंतर पर किस लिए है, हमारी हक के लड़ाई के लिए है, हमारी जो भी डिमांड्स है आप ही के लिए तो मोदी जी कर रहे हैं, उनके पास कौन है, परिवार है, आप ही लोग उनके परिवार है। अरे परिवार नहीं है तो ये तो खेत की बात है, अगर परिवार रहता था तो उनको जिम्मेदारी समझती थी कि बीबी क्या है, बच्चे क्या है, सब क्या है, उनको क्या जिम्मेदारी मालूम है। हमको मालूम रहता कि घर पे लेके जाना तो क्या लेके जाना पड़ता, बाजार जाएंगे ना तो पहले थैली से हमारे, अब सोचो 1500 रुपए में डिवाइड करो क्या रोज आ रहा, 50 रुपए रोज में क्या करेंगे, 40 रुपए किलो शक्कर है, तेल 150 रुपए किलो है। क्या बोलेंगे आप? हम बोल रहे हैं कि 250 रुपए में अभी तो 1500 रुपए है, आप 1000 रुपए बढ़ा दिए, उससे हम हमारा निवारण नहीं करते, ठीक है, हम ऐसे तैसे हमारा चला रहे, फिर भी आप हमारे बच्चे है, सातवीं तक फुकट में पढ़ा रहे, पर उसके बाद क्या, हम क्या हमारे बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, ना इंजीनियर बना सकते ना डॉक्टर बना सकते, क्या बनेंगे हम, हमारे बच्चों को क्या आतंकवादी बनाएंगे, उनके हाथ में बंदूक दे हम क्या करेंगे, हम 2500 रुपए में ना घर चलता है ना बच्चों का पढ़ाई चलता है, कुछ भी नहीं चलता। देख सकते हैं आप इनके आँख में आंसू, इनके दर्द को आप देख सकते हैं, ये रोने पर मजबूर हो गई है, ये कह रही है कि वो अपने बच्चे को आतंकवादी बना दे, हम उसको इतने पैसे में पढ़ा लिखा नहीं सकते, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, ये है राम राज की सच्चाई। आप देख सकते हैं हम इनसे और बातें करेंगे तो आप लोगों को और क्या दिक्कतें हैं, कितना दिक्कत वाली बात है। देखिए मैडम, नाम बताओ आप, मेरा नाम आगे कहाँ से आई, किराना है मैडम, सपोर्ट करेंगे आप, रोइए मत, रोइए मत। हम आए हैं जहानाबाद जिला से पटना, हम लोग यहाँ पर आए हैं धरना प्रदर्शन करे, अपना मांग को लेकर के आए हैं, सबकी एक ही दिक्कत है, ठीक है, जब तक आप लोग एक झूठ नहीं होंगे ना, अलग अलग जब तक बटे रहेंगे तब तक मांगे पूरी, पैसा दे के राशन ले रहे थे ना, पेट भर अन्न खा रहे थे हमें, अभी फुकट आना है ना, ऊपर से पेट मर रहे है अभी, इनकी भी 2 किलो देते हैं हमको, 2 किलो महीने भर में खाने का, पैसे देखो ले रहे थे, पेट भर तो खा रहे थे, वो अच्छा था, अभी फुकट देखो ऊपर से मर रहे हमें वो दी, तो किसकी किसको कौन बनेगा सरकार जो आप लोगों की मांग पूरी, हमें मोदी को ये वोट नहीं देंगे, हमें नहीं देंगे, नवीन कौन सरकार आएगा उसे देंगे। आपको कितनी तनख्वाह, आप कौन है, आशा बहू है, आशा है, आपको क्या मिलता है, कितना मिलता है, 1000 मिलता है, और हम लोग का मैंने काम बहुत ज्यादा लेता है, और हमारे कितने घंटे काम करती है, 2400 घंटे काम करते हैं, और हमारे के यहाँ 24 घंटे काम करते हैं, और हमारे के यहाँ हमारे अथी में पैसा कितना मिलता है महीने का, 1000, हाँ, आशा को हटाया भी गया है हमारे के यहाँ, और दूसरे आशा को बहाल कर रहा है BCM, और कहता है कि 24 घंटा काम करिए, और 24 घंटा काम करबो करते हैं, बादूम में पैसा के लोभ में BCM हटा के और दूसरा को बहाल कर रहा है, कमीशन तो मिलता है, कमीशन देता है, कमीशन चाहिए ना, कमीशन नहीं चाहिए हमको, वेतन चाहिए, कमीशन नहीं हमको, वेतन चाहिए, और वेतन एक जहानाबाद के जिला की है मैडम, इनका मखदुमपुर ब्लॉक हुआ, इनका कहना में ये है कि आशा वर्कर है और 24 घंटा काम किया जाता है, फिर भी रिश्वत लेकर करके मखदुमपुर के प्रभारी और BCM इन लोग को कार्य से वंचित करके इन लोग को एक तो आवेदन दे करके हटा दिया गया है, यानी चयन मुक्त 10 आशा को ऐसा जो माध्यम वर्ग के हैं उनको हटा दिया गया है, और जो आप लोगों की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी OBC ST ST क्या है,
क्या ओबीसी में आती है? ओबीसी में आती है ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। जाति आप लोगों की क्या है? ओबीसी है, एससी एसटी है, क्या रहती है आपकी? ओबीसी है मैडम, है ना? हाँ, और फिर भी प्रधानमंत्री ओबीसी ही है, फिर भी आप लोगों की बात नहीं सुनता। ओबीसी रह रहा है, हमको पेट नहीं चल रहा है, हमको पेट नहीं चल रहा है। जो ओपन में आए लोग जैसे कहीं मान्य मोदी को अभी भी बच्चे हैं, तो वो बाकी को की बात क्या समझेंगे उनका? 2024 में जिताइए मोदी के पास अभी और काम। जिताएंगे मोदी को? नहीं जिताएंगे मोदी को, नहीं जिताएंगे 2024 में, नहीं जिताएंगे, नहीं जिताएंगे। क्या बोल रहे हैं? हमारी मंगनी जो है, हमारी जो मांगने है ना, वो पूरी करेंगे ना। अरे आप लोग इतना बदनाम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, नारियों का सम्मान कर रहे हैं, देश के सामने अच्छा काम कर रहे हैं, अंदर से पेट मार रहे हैं वो जनता का पेट मार, गरीब का मन मार रहे हैं सब। हमें क्यों जिताएंगे? नहीं जिताएंगे। 1200 रुपए हो गया ना, तो कैसा चलेगा? 2024 में किसको वोट देंगे? 2024 को अगर हमारी मांगे पूरी करेगी ये सरकार, तो हम सरकार को राहुल गांधी जरूर जो करेगा मांगे। हमें मोदी को नहीं जाना, राहुल गांधी को देखेंगे अगले। ये लोग, इन लोगों की बात आप लोग देखिए कि ये लोग मजबूर है 1000-2000 में अपना घर चलाने को, और ये सारे लोग बिल आता है महीने की नहीं आता, हर साल में 3 बार आता है बिल, 3 बार 4 महीने को एक दे, ये महीने तो नहीं आता, महीने को आधी टक्की दी 200, उज्ज्वल टक्की बुलबुल किया, उज्ज्वल टक्की 200 दिया था, 1200 रुपए के ले लिए। हमारे राज्य सरकार ने 60% वाटा दिया है, राज्य सरकार ने 60% वाटा दिया है, 40% वाटा केंद्र सरकार को दिया है, देना चाहिए। वो का क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी सरकार पैसा नहीं है मोदी सरकार के पास हमारे देने के लिए। मोदी सरकार राम मंदिर बना रही है, सब काम तो महिलाओं को बस फ्री कर दिया ना, बस फ्री कर दिया तो हमारे पेमेंट का क्या? अभी भी हमारे 4 महीने की पेमेंट बाकी है, 4 महीने इलेक्शन आए इसलिए बस मुफ्त कर लिए पैसे, महीने को 150 रुपए बस जाने के लिए फुकट है, खाने के लिए तो 150 रुपए गाँव में लाता के नहीं है क्या? चाहिए ना आप हमको, खाने को नहीं लिए, पैसा नहीं है तो घूमने को लिए टिकट कुटला अर्धा टिकट तेरे भरा लाभ देखो कहा है। 2024 में कौन आएगा जो आप लोगों की बात करेगा? मोदी नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा, नहीं मोदी जाएंगे, हमारे सब कुछ मांगने पूरे कर ले, मोदी जाएंगे, मांगे पूरी करो और मोदी आएगा। आप लोग एक सेकंड, आप लोग अच्छा करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, हमारा मजदूरी बढ़ा देंगे तो हम ठप्पा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आप इधर आइए, आप इनको दिखाइए कि किस प्रकार से ये लोग एकदम